345 की आइटम 30 रुपये, और ये फ्रेश है, ये 4000 के मार्केट में बिकने आया है, किसी कारण से मुझे पता नहीं बिकने आया है, और ये सिर्फ 30 रुपये में मैंने ख़रीदा है मेरे खुद के लिए। तो फ्रेंड्स हेलो, देखिए भैया आप कहाँ से आए हो? लिए इंदौर। देखिए ये इंदौर से आए हैं और ये भी शूज़ लेना है इनको। इंदौर में पता है कि बॉम्बे में सुबह 5 बजे 4 बजे मार्केट लगता है, और दूरते दूरते आए। जब मैं भी 4 बजे यहाँ आ रहा था तो ये मुझे रास्ते में मिले थे, इन्होंने मुझे एड्रेस पूछ रहे थे कि भाई कहाँ है, क्योंकि आसपास ही थे ये। ये बहुत कन्फ्यूज थे क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ, बहुत छोटी 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 गलियाँ थे, कन्फ्यूज हो रहे थे, और बहुत बड़ा मार्केट लगता। तो वैसे आपको पता कैसे चला यहाँ का? नेट पे, इंडिया का सबसे बड़ा चोर बाजार मार्केट। ये आवाज़ आती है चोर 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 चोर। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं ये गाना क्यों गा रहा हूँ चोर के ऊपर, वो भी क्योंकि आज का टॉपिक ही वो है, रात का अंधेरा, चोरी। और मैं हरीश मुंबईकर आज आपको घुमाऊंगा सुबह के चोर बाजार में, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग का चोर बाजार जो सुबह 4 बजे खुलता है और 7 बजे तो बंद हो जाता है, मतलब आधी रात के बाद जो बाज़ार लगता है शायद वो पहला एक ही बाज़ार ही है जो सुबह सुबह 4 बजे बाज़ार शुरू हो जाता है, और जैसे ही उजाला होता है तो ये बाज़ार दिखता ही नहीं कि पता नहीं ये बाज़ार है कि नहीं। तो वही घटना घट गई कि चोर रात को चोरी करते हैं और रात को बेच के ही रात को चले जाते हैं, इसीलिए ये चोर बाज़ार है जो अर्ली मॉर्निंग का है। मैंने आपको दूसरी वीडियो में वो चोर बाज़ार भी दिखाया होगा, आपने देखा होगा, पर ये जो चोर बाज़ार है ये सुबह 4 से 7 बजे तक ही चलता है। लोग बस सोचिए दिन उजाला होने से पहले ही बाज़ार फिनिश हो जाता है। तो चलो मैं आपको घुमाता हूँ मॉर्निंग के चोर बाज़ार में। देखिए सुबह के 5 बज रहे हैं और 5 बजे भी देखिए दुकानों पे कैसी भीड़ जमी है। वैसे आज भीड़ काफ़ी कम है क्योंकि कोरोना के कारण बॉम्बे का लोकल ट्रेन बंद है, उस चक्कर में पब्लिक नहीं आ रही है, मगर फिर भी आप कुछ कुछ तो देख सकते हैं। ये बाज़ार 5 बजे है और ये बाज़ार 7 बजे तक तो फिनिश हो जाता है। देखिए सब फैंसी जैकेट है, शर्ट है, लॉट का माल होता है, जैसा कहने का चोर बाज़ार होता है, नाम चोर बाज़ार, मगर सब सभी चीज़ चोरी करी हुई नहीं होती है। ये देखिए सब फैंसी वैसी, यहाँ जैकेट मिल रही है, शर्ट मिल रही है, ब्रांडेड जीन्स मिल रही है, मुझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। ये पूरा जूतों का मार्केट है, एक से एक ब्रांडेड जूते मिलते हैं यहाँ पर, सेकेंड हैंड भी और नए भी। सेकेंड हैंड मतलब वही चोरी किए हुए, इसलिए इसका नाम चोर बाज़ार है। जो हमारे मंदिरों से, मस्जिदों से, जो फंक्शनों से जो हमारे जूते चोरी होते हैं वहाँ यहीं आकर बिकते हैं, मगर उसकी आज शॉप काफ़ी बंद पड़ी हुई अभी, यानी तो ये पूरा बाज़ार, ये बाज़ार देख रहे हैं आप, ये बाज़ार पूरा भरा रहता है, मगर आज वो बाज़ार नहीं लगा है क्योंकि लोकल ट्रेन चालू नहीं हुई है। लोकल ट्रेन चालू नहीं हुई तो पब्लिक काफ़ी दूर दूर से यहाँ आती है, हाँ, और वो आज आ नहीं पाई है क्योंकि लोकल ट्रेन बंद है। वो भी जो लोकल के बाज़ार शायद आसपास के लोग होंगे वो लोग ही आते होंगे, इसलिए बाज़ार छोटा सा लगा है। वरना इस बाज़ार में भी ये गली देखिए बहुत लंबी गली है, पर यहाँ पावर रखने को भी जगह नहीं होती। फिर भी मैं आपको कुछ क्लिप अंदर की दिखाता हूँ क्योंकि मैं अंदर शूटिंग नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा, इसे बाहर से दिखा रहा हूँ आपको। ये सेकंड हैंड है, ये सब चोरी किए हुए होते हैं। देखिए मैं चलता जा रहा हूँ, गली काफ़ी लंबी है अंदर, शायद मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये जूतों चप्पल का मार्केट है, ये सुबह 4:30-4 बजे खुल जाता है। देखिए आसमान में देखिए पूरा अंधेरा छाया हुआ है,
क्योंकि सुबह 5 बज रहे हैं अभी, सुबह 5 बजे भी कितनी गर्दी है, और लोकल ट्रेन के कारण गर्दी कम है। जितनी देर अभी निकला मैं हूँ शायद मुझे 15 मिनट लग जाती इस गली में से पार होते हुए, इतना भीड़ रहता है यहाँ। आज भीड़ काफ़ी कम है, शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ इतनी कम भीड़। ये देखिए देखा दोस्तों, है ना मजे की बात, सुबह 5 बजे भी चोर बाजार लगता है इतना अर्ली मॉर्निंग। और ये पॉसिबल है सिर्फ बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे में 4 बजे से ही, शायद 2 से 4 ही बॉम्बे थमती होगी, वरना 2 से 4 के बाद तो बॉम्बे की रूटीन ऐसी स्टार्ट हो जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। मुंबई से काफ़ी दूर से लोग आते हैं। और हाँ देखिए मिल गया, ये बंदा जो शूज़ ले रहा है ये शायद मुंबई का नहीं है, और मैं इनसे ही पूछूंगा कि ये कहाँ से आया है, आपको पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। देखिए भैया आप कहाँ से आए हो? लिए इंदौर। इंदौर देखिए ये इंदौर से आए हैं और ये भी शूज़ लेना है इनको। इंदौर में पता है कि बॉम्बे में सुबह 5 बजे 4 बजे मार्केट लगता है, और ढूंढते ढूंढते आए। जब मैं भी 4 बजे यहाँ आ रहा था तो मुझे रास्ते में मिले थे, इन्हें मुझे एड्रेस पूछ रहे थे कि भाई कहाँ है, क्योंकि आसपास ही थे ये बहुत कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ, बहुत छोटी छोटी है, छोटी छोटी गलियाँ थे, कन्फ्यूज़ हो रहे थे, और बहुत बड़ा मार्केट लगता। तो वैसे आपको पता कैसे चला यहाँ का? नेट पे। अच्छा, इन्होंने नेट पे सर्च किया जैसे हम लोग। इंडिया का सबसे बड़ा चोर बाजार मार्केट है। अच्छा, इंडिया का सबसे चोर बाजार मार्केट। अगर मुंबई आया और चोर बाजार नहीं देखा तो कोई मतलब नहीं। मैंने आपको पहले भी यूट्यूब पे बताया था मेरे दूसरे वीडियोस में कि मुंबई का चोर बाजार मतलब काफ़ी फेमस है ऑल इंडिया में। इनका भी कहना यही है कि बॉम्बे यार चोर बाजार नहीं आए तो कोई मतलब नहीं। एक मेजर हॉटस्पॉट है, मेजर हॉटस्पॉट इनका कहना ये। देखिए थैंक यू। आपको ऐसे कैसा लग रहा है माहौल, कैसे अच्छा लग रहा है? बहुत। पहली बार आया कि पहले भी आया कभी? पहली बार। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ही आया और इनको भी अच्छा लग रहा है कि ये भी सरप्राइज कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे बाजार कैसे लग सकता है और 7 बजे तक ये मार्केट पूरा फिनिश हो जाता है। बहुत ज़्यादा वैरायटी है। चलिए थैंक यू डियर। देखिए ये दोनों इंदौर से आए हुए हैं। ध्यान से देखिए, अब तो छोटी छोटी चीज़ भी काफ़ी चीज़ें दिखेंगी आपको इस बाज़ार में। लैपटॉप भी दिख रहा है सामने, देखिए बड़े बड़े मोबाइल। देखिए प्रेस, पर्स, जूते, पुराने ज़माने का टेलीफोन, स्पीकर, टीवी, देखिए सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए टुल्लू पम्प्स, जूते, टुल्लू पम्प भी मिल रहे हैं। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, ये देखिए कितनी प्यारी चीज़ है, एंटिक चीज़ें कुछ ये आपको नजर से दिखा रहा हूँ। और ये सिर्फ चोर बाजार में ही पॉसिबल है, और कहीं देखिए, ये देखिए कितना एंटीक है, आपको आइडिया लग जाएगा ये शायद क्या है। ये देख रहे हैं, इसलिए तो इतना फेमस है बॉम्बे का चोर बाजार। छोटी छोटी गलियां हैं और इसमें भी बाजार लगता है। ये देखिए पार्किंग की जगह नहीं, स्कूटर पे खड़ी है यहाँ पर, उनके बीच में जगह कर करके इन्होंने स्पेस निकाला है। देख लीजिए, ये देखिए ये इसका रेट देखा मैंने अभी 345, और मैंने बार्गिंग करते करते ये 330 रुपये में लिया है सिर्फ। 345 की आइटम 30 रुपये, और ये फ्रेश है, ये 4000 के मार्केट में बिकने आया है किसी कारण से, मुझे पता नहीं बिकने आया है, और ये सिर्फ 30 रुपये में मैंने ख़रीदा है मेरे खुद के लिए। देख रही है सेविंग ले रही है, और काफ़ी अच्छी है, इम्पोर्टेड है, और 345 रेट के हिसाब से देखो मेरे
30 रुपये में लिया है, इसे कहते हैं चोर बाजार, कुछ भी हो सकता है। देखिए इस समय 6:30 बज चुके हैं, मैं 4:30 बजे से मार्केट में घूम रहा हूँ। अब देखिए इन्होंने पैकिंग करना चालू कर दिया है, ये देखिए पैक कर रहे हैं सामान, क्योंकि अब मार्केट रिलीज हो चुका है, बंद हो चुका है और जाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि साथ मैंने आपको कहा ना 7 बजे तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि यहाँ कोई बाजार लगा था। इस समय 6:30 बज रहे हैं और देखिए इन्होंने पैकिंग करना चालू कर दिया है, गर्दी भी कम हो चुकी है। ये जाते जाते की गर्दी है सिर्फ, और 7 बजे तक ये पूरा बाजार क्लियर हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ सुबह चोर बाजार लगा था। और ये सिर्फ फ्राइडे को ही लगता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर आपको बॉम्बे आके कभी विजिट करना हो चोर बाजार का। ये जो सुबह का चोर बाजार है ये दो टाकी नागपाड़ा के नज़ीक है। जी हाँ, आप अगर नागपाड़ा पूछोगे किसी को भी, नज़ीक में बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, वहाँ से काफ़ी नज़ीक पड़ता है। ये अर्ली मॉर्निंग 4 से 7 बजे तक ही है। देखिए पुलिस की गाड़ी भी सुबह सुबह आने लगी, 6:30-7 बज चुके हैं, तो पुलिस की गाड़ियाँ भी घूमने लगी है, सभी को उठाने के लिए बोल रही है। मैंने आपको कहा ना कि 7 बजे तो बाज़ार बंद हो जाता है पूरा। तो दोस्तों कैसी रही आज चोर बाजार की जर्नी? जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग चोर बाजार की जर्नी। तो इसके साथ में आज का मेरा ब्लॉग यहीं से समाप्त कर रहा हूँ, और मैंने आप सभी के लिए सुबह 4:30 बजे आकर 6:30 बजे तक शूटिंग की है, आप भी सभी लोग को चोर बाजार दिखाने के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये जो बॉम्बे आने वाले हो या बॉम्बे के हो उनको भी ये चोर बाजार घूमने का मौका मिले। सभी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार। आपका अपना हरीश मुंबईकर, जय हिंद।